ओम साई राम सबको। आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये नागली मैंने सुखाने के लिए डाली थी। ये सूखने के बाद में मैं पीस के लेके आई हूँ। तो पीसने के बाद में इसको देखिए ऐसे छानेंगे कपड़े से, कपड़ा बांध के इसको छानेंगे, क्योंकि इसका एकदम सॉफ्ट आटा चाहिए हमको पापड़ बनाने के लिए। ये नागली के पापड़ बनने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो ये छन्नी से नहीं छाना जाएगा, ये कपड़े से ही छानेंगे, तब जाके सॉफ्ट आटा बनेगा। तो इसका आटा निकालने के बाद में हम लोगों ने चूल्हे के ऊपर गर्म पानी रख दिया है पापड़ बनाने के लिए। तो ये ईंटों का चूल्हा बनाया है, और ये चूल्हे पे बनाया तो काफ़ी अच्छे से पक जाता है, इसलिए हमने बाहर चूल्हा लगा दिया। और पानी गर्म होने के बाद में इसमें मैंने अजवाइन, तेल, नमक और खार डाला है, पापड़ खार। ये पापड़ खार के वजह से अच्छे से पापड़ फूल जाता है, इसीलिए ये चारों चीज़ें डालने के बाद में मैंने आटा डाल दिया है। देखिए नागली का ये चूल्हे पे ही बनाने के बाद में क्या होता है कि चूल्हे पे बनाने के बाद काफ़ी सॉफ्ट आटा बनता है, और नीचे से ये लगता नहीं है, मतलब जलता नहीं है। तो इसी वजह से देखिए धीमे गैस पे इसको बनाया जा रहा है। और देखिए कितना इसको ये लाएंगे, देखो जितना हम इसको जोर लगा के, ताकत लगा के हम ना इसको बनाएंगे तो ये इसके अंदर गुठली नहीं पड़ेंगी, इसीलिए देखिए कितनी ताकत लगानी पड़ रही। और एक लोगों के बस की बात है ही नहीं, इसलिए बारी बारी हम लोग सब लोग कर रहे हैं। देखिए ये बन गया है, और इसको पतला आटा नहीं करना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखेंगे, तब जाके अच्छे से पापड़ बनेंगे। देखिए हमने अच्छे से इसको पका दिया है, पकने के बाद में देखिए इसके अभी पापड़ बनने की तैयारी होगी। देखिए ये देखिए इसके छोटे छोटे गोले बना दिए, ये गर्म आटा है अभी, और थोड़ा सा गर्म रहता है तभी इसके पापड़ बनाओ तो जल्दी जल्दी भी बन जाते हैं। तो ये मशीन से पापड़ बनाएंगे, देखिए एक ही साइज़ के बनते हैं मशीन से, इसीलिए मशीन से बनाओ तो एक साइज़ के भी बनेंगे और पतले भी बनेंगे और जल्दी भी बन जाएंगे। ये तीन फायदे इसके मशीन के बनाने के। देखिए देख सकते हैं आप कितने फटाफट पापड़ तैयार हो रहे हैं, और दो तीन लोग रहे तो जल्दी जल्दी बन जाता है, एक लोगों से नहीं हो पाता है ये काम। तो देखिए हम तीनों बहनें मिलके ये पापड़ बना रहे हैं। देखिए मैंने बहनों को बुला के फिर ये पापड़ बनाए, क्योंकि हम लोगों को साल भर चले इतने पापड़ लगते हैं। तो देख सकते हैं आप कितने फटाफट पापड़ हो रहे हैं ये। तो देखिए ये बनने के बाद में इसको ऐसे साड़ी के ऊपर डाल के सुखाएंगे। तो ये महाराष्ट्र में ज़्यादातर तो खाया जाता है, और आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं पूछ रही हूँ, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी ये पापड़ बनते हैं, किस किस के यहाँ ये पापड़ बनते हैं, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा किसके यहाँ बनते हैं, किसके यहाँ नहीं बनते, वो भी आप बताइएगा। क्योंकि खाए तो सभी ने होंगे, क्योंकि होटल में भी मिल जाता है पापड़, जब हम खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे भी मिलता है, लेकिन महंगा मिलता है थोड़ा। तो ये देखिए, और जहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं कमेंट करके वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे। देखिए हमारे महाराष्ट्र में क्या है कि काफ़ी तरीके के पापड़ बनते हैं, मतलब ये नागले के हो गए, गेहूँ और चावल के बन गए, चिकने के हो गए, उड़द के हो गए, और गेहूं के तो कुड़ाई वगैरह हो गए, मतलब साल भर चले इतने पापड़ बनाते, क्योंकि खाने के टाइम में रोज़ मराठी लोगों को पापड़ लगता है, इसीलिए इतने सारे पापड़ बनते हैं कि एक साल हम लोगों को चल जाए पापड़। देखिए ये पापड़ बन गए मेरे चिकनी के, नागली के। देखिए कलर देखिए इसका कितना सुंदर कलर आ गया है सूखने के बाद, और साइज़ भी इसकी छोटी हो गई, वो कुछ टाइम बड़ा दिख रहा था, अभी देखिए छोटी हो गई, काफ़ी बन गए कि मेरे एक साल चल जाए आराम से, इतने पापड़ बना दिए मैंने। क्योंकि क्या होता है ना कि मेहमान आते हैं या हम लोगों को भी चाहिए होता है, और ये पापड़ क्या है ख़राब नहीं होता है, एक साल तक आप स्टोर करके रखिएगा, ये ख़राब नहीं होगा और एक साल तक आराम से चल जाएगा, इसीलिए हम लोग कोई भी पापड़ बनाते तो एक साल चले इतने ही बनाते हैं। तो देखिए ये पापड़ बन के तैयार हो चुके हैं मेरे, तो मैं आप लोगों को तल के दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये है गेहूँ की कूड़ाई, तो ये अच्छे से सूखी नहीं है अभी, थोड़ी अंदर से गीली, इसीलिए अच्छे से फूली नहीं है, और इसको एक दिन सुखाना पड़ेगा। और ये ऑरेंज कलर की और एक वाइट कलर की, दो कलर के मैंने कूड़ाई बनाई है। तो देखिए ये भी हो गई है, और ये हमने जो नागले का पापड़ बनाया था इसकी साइज़ देखो,
तलने के बाद कितनी बड़ी हो गई है ना, और इतने सॉफ्ट होते हैं, मुँह में डालो ये घुल जाएगा, ऐसा पापड़ है ये। टेस्टी हो गया, ये मेरा पापड़ बनके तैयार हो चुके हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय।